गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज प्रातःकालीन सभा में, मॉर्निंग असेंबली में, मैं स्टूडेंट्स, गार्जियंस एंड टीचर्स को एड्रेस करूँगा। क्या पढ़ाया जाए, सबसे समझदारी की ज़रूरत है। आज क्या पढ़ाया जाए, मैंने कहा पढ़ाई के दौरान सत्य बोलना सिखाया जाए, पाठ्यक्रम में ये मानसिकता विकसित करने पर जोर दिया जाए, सत्य का महत्व, सत्य को स्वीकार करना, विवादों की सबसे बड़ी जो जड़ है, चाहे सड़क पर खड़े व्यक्ति को लेकर जो सही को मानने को तैयार हो जाए, भैया आपको सड़क पर नहीं खड़ा होना चाहिए, ये आम राहगीरों के लिए नहीं है, वाहनों का सड़क है, तो आप फुटपाथ पर चलें, ठीक जगह कचरा डालें। अनुशासन तभी बढ़ेगा जब वो सत्य को स्वीकार करना सीखेगा, एक सही क्या है, गलत क्या है। झगड़ालू स्वभाव नहीं बनेगा, न्यायपालिका और पुलिस को कम काम करना पड़ेगा, उससे बोझ काफ़ी हद तक सत्यवादी जो नागरिक तैयार होगा, सत्य को पसंद करने वाला, सत्य और सही को मानने वाला, निश्चित रूप से अनुशासन की मिसाल खड़ी कर दें, तो पाठ्यक्रम में सत्य के उदाहरणों से भरी जाए, सत्य के अच्छे परिणामों से भरी जाए कि ये हर कहानी के माध्यम से बच्चों को सिखाने पर जोर दिया जाए, सत्य बोलें, सही बोलें, बेकार के जिद्दी न बने, ये बहुत जरूरी है। पाठ्यक्रम में सबसे बड़ी जरूरत इसी को है कि बच्चों को सत्यवान बनाया जाए, बलवान धनवान बाद में बन जाएंगे, सबसे पहले जोर कहते हैं चरित्र निर्माण पर दिया जाए, संस्कार पर दिया जाए और सत्यता का बोलबाला हो समाज में, अनावश्यक बोझ न बनाया जाए। पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी बातें शामिल करके जो बेकार में, जिनका जीवन में कोई महत्व नहीं है, और पढ़े लिखे लोगों से पूछ कर देख लो, उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें पढ़ी हैं जिनका कोई बहुत अर्थ नहीं था। पाठ्यक्रम को बोझिल बनाया गया था, रात को जग जग कर बहादुर और साहसी बच्चों ने रटा, पर उसका ग्राउंड रिजल्ट जिसे कहा जाता है वो भी आना चाहिए। आईएएस को अगर टॉप किया है तो करियर शैली फील्ड में जाने के दौरान भी जिस विभाग का जिम्मा दिया जाए वो वहाँ भी टॉप आए, ये चीज़ पढ़ाई जाए, रिजल्टेंट बनाया जाए एजुकेशन को, कि वहाँ से कुछ निकले, लाभ निकले समाज और राष्ट्र को, स्वयं को। तो मैंने कहा सत्य बोलना, सत्य को पसंद करने वाला, सही को पसंद करने वाला बनाया जाए, वो व्यक्ति कम से कम विवाद में उलझेगा और सही बात को मान लेगा। मीडिएशन वाले भी यही कहते हैं, जो लोग शांति प्रियता के लिए जो काम कर रहे हैं, कि अच्छे लोग जल्दी मान लेते हैं सही बात को, हाँ ये आपकी गलत बात है, तो सत्यवादी लोग स्वीकार कर लेते हैं, हाँ है तो गलत, तो क्या क्या जानना चाहिए। तो इस तरह मैंने कहा कि सबसे बड़ा सत्य और दया पर जोर दिया जाए, क्रूरता से भी दूर रखा जाए बच्चों को, हिंसा से नफरत पैदा की जाए, हिंसक न बनाए जाए, दया धर्म का मूल है, और जो धर्म के उपदेश देने वाले हैं वो भी लोगों में दया भाव पैदा करने पर जोर दें, उसने कितना दान दे दिया, उसने क्या बनवा दिया, इन चीज़ों पर जोर ना दें, लोगों में दयावानता को उजागर करें, दयावान बनने पर जोर दें, सत्य और दयावान, इससे बहुत कुछ निकलेगा आगे जाकर,
इसे सत्य वाला सही तोलेगा, सही बोलेगा, सही तोलेगा तो कंज्यूमर कोर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्य वाला स्वयं मान लेगा गलती से मैंने ये कम तोला था, या इसको अमुक जो हमारे ग्राहक हैं, सेवाग्राही जो हैं, उनको सेवा नहीं दी गई, ये गलती से हुआ, और मैं वो स्वयं न्यायप्रिय बन जाएगा। सत्यवादी न्यायप्रिय भी होता है, तो बेईमानी घटेगी समाज में और समाज का काला चेहरा हटेगा। ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं है जो यूनिवर्सिटी टॉपर पर ये कहा जाए, राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा में कहा जाए कि इसने नकल की, हेराफेरी की है। इस तरह के जालसाज नागरिक तैयार नहीं करने। बच्चे ने शिक्षक पर हमला कर दिया, शिक्षक ने बच्चे पर कर दिया, इस तरह की शिक्षा बेईमानी, नो प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी टू द सोसाइटी एंड नेशन एंड सेल्फ। शिक्षा को उपयोगी बनाया जाए, उपयोगी मानव एक व्यक्ति को गुणवान बनाना, स्किल्ड बनाने का नाम है शिक्षा। शिक्षित करने का मतलब उसको एक गुणवान और उपयोगी व्यक्ति में बदलने का नाम शिक्षा है। शिक्षा उपाधियों और अंकों को लादना नहीं, जीवन की समझ बढ़े। प्रदर्शन अगर विज्ञान में किसी ने पढ़ लिया तो पैदल चलना पसंद कर सकता है, वाहन का प्रयोग स्वतः कम कर देगा, कचरा सड़क पर नहीं फेंकेगा, कचरा प्रबंधन पर जोर देगा, अपने कार्य को भी समझेगा, उसका सोचने का दृष्टिकोण व्यापक होगा और व्यक्ति काफी हद तक स्वयं योगदान करेगा बगैर किसी के आदेश के। सब अनुशासन पैदा करने की बात मैं कर रहा हूँ, इसके लिए इन चीज़ों की जरूरत है। उन लोगों को पुरस्कृत किया जाए, परंतु मैं पहले कहा था कि किसी व्यक्ति को किसी गलती का कारण भी पहले बताना जरूरी होता है, तभी उसका निदान करता है। ऐसे लोगों का बोलबाला ना किया जाए, उनको बढ़ावा ना दिया जाए, जिनको चापलूसी के बल पर सेवा में उत्कृष्ट कह देना, बड़े बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी अपराध में, ऐसी शिक्षा प्रशिक्षण किसी काम का नहीं है। हमें हर स्तर पर जोर देना होगा कि हम सत्य, सत्य का मेरा मतलब यही है, सत्य ये सामान्य बात नहीं है। कहते हैं विरोधी में भी अगर गुण है तो उसकी प्रशंसा की जाए, ये राजनीति में भी यही बात है। भारतीय प्रशासन ने मैंने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति के पास अच्छी समझ या किसी व्यक्ति के पास किस क्षेत्र की जानकारी है तो उसका लाभ दूसरी सरकारें ले सकते हैं जो किसी दल से संबंधित हो। राष्ट्र निर्माण एक साझा प्रयास की जरूरत है, और अभी भारत को प्रबंधन के क्षेत्र में और शिक्षा क्षेत्र में बहुत कुछ करना है। पाठ्यक्रम को उपयोगी बनाया जाए, विधि के छात्रों को हर अवस्था में मीडिएशन में ट्रेंड किया जाए, ताकि भारत में एक घंटे में ज़्यादातर झगड़े बहुत छोटे स्तर के होते हैं, दो भाइयों के बंटवारे को लेकर, पति पत्नी के संबंधों को लेकर, घरेलू हिंसा जैसे मामले भी आते हैं, उनको बहुत छोटे स्तर पर निपटा दिया जाए। और एक मैं सरकारों से कहूँगा, अपना भद्दा चेहरा नहीं दिखाएं, इससे बहादुर नागरिकों का मनोबल गिरता है। गुटखा निर्माण जारी रखना, गुटखा खाने पर प्रतिबंध लगाना, ये दोहरी मानसिकता, दो गलापन बंद करना पड़ेगा।
बहादुर और ईमानदार पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को कम महत्व वो दो। कम महत्व का मेरा मतलब ये है कि जहाँ कम करी है इस तरह की जगह भेजकर और फील्ड में ऐसे लोगों के हाथ जिम्मेदारी देना जो कम समझदार हैं, ये ठीक नहीं है। गुण को पहचान कर उसको आगे बढ़े जाए, क्योंकि किरण बेदी को DGP नहीं बनाना सबको अखरा था कि या तो उसको पुरस्कारों की झड़ी नहीं लगानी चाहिए थी, अगर योग्य नहीं दिखाई दे रही थी तो, और यदि पुरस्कार दिए गए तो उस महिला को DGP बनाया जाना चाहिए था। शिक्षा को गुण में बदला जाए और कर्मचारियों को सिर्फ और सिर्फ उनके कार्य सौंपा जाए। कार्य कौन बताएंगे, कार्य कुर्सियां नहीं। जो लोग उनसे सेवा ले रहे हैं डाकघर में आने वाले नागरिक बताएं, डॉक्टर का स्तर मरीज बताएं, कैसा उनके साथ उनका उसका व्यवहार रहा है। शिक्षक के बारे में बड़े समझदार बच्चे और अभिभावक बताएं। ये प्रणाली विकसित करनी पड़ेगी जिससे कार्य क्षमता बढ़ेगी और राष्ट्र निर्माण भी होगा, लोगों में राष्ट्रवाद भी बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो सरकार अपनी शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाए और कार्मिकों की वर्किंग स्टाइल में बदलाव लेकर आए, उसको कार्य उन्मुखी बनाया जाए। इस तरह का ढांचा विकसित किया जाए कि किसी व्यक्ति द्वारा अच्छा बुरा कहना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसका कार्य का आकलन किया जाए, और कार्य का आकलन वो लोग करें जो उससे सेवा लेते हैं। अगर किसी अधिकारी द्वारा फीडबैक लिया गया वो इतना विश्वसनीय नहीं होता, वो ढेर सारी बातों से प्रभावित होता है। कहते हैं अपार में बड़े बड़े पदों से लेकर ये देखा गया कि लोग जो इतने कार्यशील नहीं बल्कि जितने यस मैन थे उसके अच्छी या बुरी बात में, चापलूसी को बढ़ावा न दिया जाए, काम करने की संस्कृति विकसित की जाए। कि मैं सभी सरकारों से अनुरोध करूँ, सरकारें कहें लोगों को कि अमुक काम देना है, मजबूत काम का टारगेट दें और उस टारगेट को जो लोग लें वही मजबूत लोग। कि आपको मैं बस ड्राइवर का उदाहरण दूंगा, अगर कोई बस ड्राइवर अन्य तुलना में सुरक्षित बस चलाए 30 साल, कहीं से भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं लेना पड़े, सरकारों को कोई प्रकार की हानि का सामना मुकदमा सामना नहीं करना पड़े, और बगैर थके एक ड्राइवर ऐसा है कि बस का जो 100 किलोमीटर चलते ही ग्रिड आउट है, एक वो कहता है कि सर मुझे 500 किलोमीटर तक दिक्कत नहीं है, आप कहीं भेज दो, किसी दिन भेज दो, किसी समय भेज दो, उसको IIM के 76 सर्टिफिकेट देंगे कि वो बहादुर ड्राइवर है, वो कुशल ड्राइवर है। और यदि पानी का गिलास पकड़ा पकड़ा कर बाजार से अवैध ढंग से उसको सब्जी खरीद कर लाकर देकर, यानी मेरा मतलब ये है कि गलत धंधों को बढ़ावा देकर, वो नहीं है, क्योंकि भारत के टाटा संस्थानों में कल्चर देखिए, कार्य संस्कृति, वहाँ इस चीज़ पर ट्रेंड किया जाता लोगों को कि वो काम करने पर बल दें, और उनके प्रबंधन को इसका जाता है कि सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को आप पुरस्कृत करें, सम्मानित करें और बताएं जो गुड वर्किंग है। संबंधों से ना तोला जाए, संबंध व्यवहारशीलता तो हर व्यक्ति को आम जीवन में जरूरी है, मैं ये अधिकारी कर्मचारी की बात नहीं कर रहा हूँ, आम जीवन नागरिकों को सभ्य और व्यवहारशील तो बनना ही पड़ेगा। परंतु ये को मानक नहीं कि कोई व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए कोई कर्मचारी किसी दूसरे अधिकारी को अवैध रूप से अपना वाहन प्रयोग करने लिए देता है
और खुश होकर, यानी भारतीय कुर्सियाँ, अंग्रेज़ और जो मुगलकालीन जो कुर्सियाँ हैं उनको बदलना पड़ेगा, कार्य प्रेमी बनना पड़ेगा ऊपर से नीचे तक। और कार्य प्रेम भी तभी बढ़ेगा जब सत्यवादी, मैंने पहले कहा था कि लोग सत्य के प्रेमी बने, इससे काफ़ी व्यवस्था में बदलाव आएगा, घर में, शासन में, प्रशासन में और ऊपर तक। फिर रक्षा सूत्र दलाली की चर्चा नहीं आएंगी, फिर भ्रष्ट पेपर प्रणाली की चर्चा नहीं आएगी कि पेपर लीक किए गए, वहाँ रिकॉर्डिंग किया गया, चरित्रहीनता के मामले भी नहीं आएंगे। जो सर्वोच्च स्तर तक के अधिकारी इसमें लिप्त माए गए हैं, DGP, एक राज्य के DGP जो बहुत ही संगीन अपराध का मुकाबला कर चुका है, बाल यौन अपराध जैसे अपराध, इस तरह बातें नहीं आएंगी। जो मैं कहना चाहता हूँ, सत्य प्रेमी बने और अनुशासन पर बल दें, और बल के साथ साथ रोल मॉडल बने। मैं ये भी कहूँगा जो NCERT के जो अध्यक्ष महोदय हैं, वो सिर्फ राजनीतिक आकाओं की कठपुतली नहीं बने कि उन्होंने उसको नियुक्त कर दिया, वो खुश हो गए, उनको कोई मतलब नहीं है, ये बताया गया कि आप सिर्फ उन पद पर रही ज़्यादा। वो संवाद करें अध्यापकों से पाठ्यक्रम बदलाव को लेकर, खाना प्रति वाले फीडबैक नहीं, पाठ्यक्रम कितना छोटा बनाया जाए, कितना कुशल बनाया जाए, क्या उसमें समाहित किया जाए जिससे राष्ट्र, समाज और खुद का भला हो। तो मैं ये कहूँगा पाठ्यक्रम को व्यापक बदलाव के साथ, उतना पाठ्यक्रम वो चीज़ सिखाई जाए जिस व्यक्ति की जो चीज़ काम आनी है, पाठ्यक्रम को बेकार बोझिल नहीं बनाया जाए, और संस्कृत शिक्षा सत्यवादी की चीज़ पाठ्यक्रम शामिल की जाए। जैसे बच्चों को कहते हैं कि जो पढ़ाया जाएगा बचपन में छोटी क्लासों में, अगर तो उसकी एक मानसिकता विकसित होती है, आदत निर्माण, उम्र और मानसिकता का जो निर्माण है वो छोटी उम्र में ज़्यादा तैयार की जा सकता है मानसिक रूप से। इस तरह की बातें उसके दिमाग में भरी जा सकती है कूट कूट कर, ताकि एक सभ्य नागरिक वाला देश तैयार हो सके। धन्यवाद।